Welcome back to my channel, My Little World, और मैं मौश्री। आज है फ्राइडे और वीकेंड इज नॉकिंग एट माई डोर। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी, एक चाइनीज़ रेसिपी, बट ये मैं खुद नहीं बनाऊँगी, ये बनाएंगे मेरे लैंडलॉर्ड हु इज चाइनीज हिमसेल्फ। सो डायरेक्टली एक चाइनीज इज गोइंग टू प्रिपेयर चाइनीज डिश और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है क्रैब का एक प्रिपरेशन और एक्चुअली वी आर ऑल्सो गोइंग टू ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई डोंट नो हाउ द टेस्ट विल बी। आई एम बिट स्केप्टिकल विथ द टेस्ट, सो लाइक इट्स स्टीम्ड क्रैब। सो देखते तो वो अभी तो दोपहर के 4:15 हो रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले ही वो मेरे लैंडलॉर्ड आए थे एंड ही गेव अस, ही जस्ट केप्ट द क्रैब एंड ऑल द यूटेंसिल्स इन आवर हाउस, और अराउंड 7:30 और 8 o'clock वो आएंगे टू प्रिपेयर द डिश। तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ एक ऑथेंटिक चाइनीज डिश, जो चाइनीज खुद, मतलब समवन हु इज़ गोइंग टू कुक हु इज़ चाइनीज। सो चलिए मैं दिखाती हूँ क्रैब, इतने बड़े बड़े एंड दे आर लाइव। ही इज़ गोइंग, आई डोंट नो वट ही इज़ गोइंग टू, ही विल डू, ही विल ब्रेक आई थिंक, ही हैव केप्ट वन हैमर, स्मॉल हैमर हियर एंड ही विल ब्रिंग अ बिग नाइफ। सो एवरीथिंग इज़ न्यू टू मी, आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ कुकिंग एंड दिस काइंड ऑफ फूड। सो मीन्स एक्सक्यूज मी, सो ही हैड गिवन लाइक चिकन, स्टीम्ड चिकन 2-3-4 टाइम्स। So he has given steamed chicken for 3-4 times. That was quite yummy. So we are keeping our finger crossed. So let's see. तो मैं चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या वो क्रैब इतना बड़ा बड़ा, तो इट इज बिट स्कैरी। चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो इस बकेट के अंदर है वो लाइव क्रैब्स, तो मैं ज़्यादा ओपन करके नहीं दिखा सकती बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थी। इतने से लाइव क्रैब मैंने नहीं देखे, इतने बड़े बड़े, और ऐसे घर में तो कभी मतलब लाते भी नहीं। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड दिस इज अ थिंग वेयर ही इज गोइंग टू प्रिपेयर दिस। इट्स नॉट आवर्स, इट्स माई लैंडलॉर्ड्स ओनली एंड दिस इज द होल थिंग। इट्स सो बिग, नॉट बिग एक्चुअली, इट्स ह्यूज। और ये पे वीडियो थोड़ा डार्क आ गया है बाहर धूप की वजह से, होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। Shell. Okay. You cut through, don't have a shell anymore. This is the good part. Oh. That's egg, right? See? That's that one egg, right? That is the, not the egg, it's the crab roll. Okay. Okay. See? It's dead. This is the thing, जिसको कट करके उन्होंने फ्रिज में रख के गए और इसको बाद में बनाएंगे आने के बाद, मतलब रात को। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि मेरे लैंडलॉर्ड आए थे और अभी कट करके गए क्रैब्स को, तो मेरे चैनल पे जो वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स है प्लीज़ एक्सक्यूज़, क्योंकि चाइनीज़ पीपल्स लव टू ईट एवरीथिंग फ्रेश। तो वो ये लोग नॉन वेज जो भी लाते हैं, फिश भी लाते हैं ना, तो ये लोग इसे लाइव लाते हैं क्योंकि दे लव टू ईट इन दिस वे। सो आई कॉन्ट डू एनी थिंग बिकॉज मैं, मतलब दिस एक्सपीरियंस इज़ वेरी न्यू टू मी टू। सो इफ़ यू फाउंड एनी थिंग लाइक स्कैरी और समथिंग, इफ यू आर नॉट लाइकिंग दिस प्लीज एक्सक्यूज मी। सो एनी वेज, सो शाम को अभी वो आएंगे फिर से कुकिंग करने के लिए, अभी सिर्फ कट करके गए बिकॉज लाइक ये सारे ना
एक सारी चीज़ों का एक अलग स्मेल होते हैं राइट. सो नॉन वेज का भी एक स्मेल होता है और अगर लाइव चीज़ होती है तो उसका स्मेल और ज़्यादा होता है. तो इसलिए तो बिफोर टेकिंग हिज बर्थ ही टोल्ड दैट आई विल कट एंड कीप इन फ्रिज. सो आफ्टर दैट आफ्टर अराउंड 8 o'clock ही टोल्ड ही विल कम एंड प्रिपेयर दिस. सो लाइक मुझे मैं चिकन तो स्टीम खा चुकी हूँ बहुत बार बट फिश को लेके ना मैं भी थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूज हूँ. पता नहीं खा पाऊँगी कि नहीं बट और इतना बड़ा वाला चीज़ है मतलब क्रैब्स ना. सो पर ऐसे ही एनीवेज तो देखते हैं अगर नहीं खा पाई तो शायद वेस्ट होगा. सो पर न्यू चीज़ तो है ही ट्राई करने के लिए. और व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ कंट्री वेयर लॉट्स ऑफ चाइनीज पीपल स्टे हियर सो लाइक ट्राई करना तो बनता ही है. पर पता नहीं टेस्ट कैसा होगा. मुझे भी मतलब अभी से ही डर लग रहा है. स्टीम्स होगा सिर्फ इट विल बी सिर्फ ओनली स्टीम्ड वन. सो लाइक वी इंडियंस लव टू ईट एवरीथिंग विद स्पाइस एंड ऑल. फ्राई करके ऐसे हम लोग खाते हैं. क्रैब तो खाते हैं हम लोग बट फ्राई करके खाते हैं उसको. बट स्टीम करके खाना उसका टेस्ट में कैसा होगा पता नहीं. मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू हैव दिस. बट एनी वेज तो उन्होंने मेरे लैंडलॉर्ड ने अपने फ्रेंड को फ़ोन करके स्पेशली ऑर्डर दे के इतना बड़ा बड़ा क्रैब लेके आए. सो आई होप कि हम लोग खा पाए. सो देखते हैं क्या होता है आगे आगे. क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ एक्चुअली. चिकन तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्टीम चिकन जो बनाते हैं ये लोग. पर ये कैसा होगा ये एक बिग क्वेश्चन है. सो जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ही. और आप लोगों को अगर कोई किसी को भी अच्छा ना लगे वीडियो का कोई पार्ट देख के ऐसे स्केरी लगे या कुछ लगे देन प्लीज़ एक्सक्यूज मी. सो दैट्स ऑल. So here he is adding some ginger. A little bit of black pepper. एंड सॉल्ट टू टेस्ट. बस इतना ही मसाला है इसमें. इट्स वेरी हेल्दी. अगर आप फिश के जगह पे चिकन यूज़ कर सकते हैं. वेजीज आप ऐसे स्टीम करके खा सकते हैं. तो इसमें कोई ऑयल नहीं यूज़ हो रहा है. तो थोड़ा सा ही सिर्फ ब्लैक पेपर है जिंजर है और सॉल्ट है. तो आप समझ सकते हैं कितना हेल्दी है. You do. Okay. Keep out already, yeah. Open. Uh-huh. I already put the stand inside there already. You put in the middle. Okay. Then you close it. Make sure it's tight. You don't have any holes. Okay. Okay. Then you set it. Then you see your. So after 15 minutes, it's already cooked. So this is the final product. See how the taste. Come. Yes. Eat it. Huh? This is good, right? Yeah. How is the taste? It's good. Okay. And yours? Yeah.
my food. तो मैं थोड़ा skeptical थी कैसा लगेगा, but actually में बहुत tasty था ये सच्ची में. मतलब if you like crab, you will definitely like this one. और कोई fish का कोई smell वगैरह भी नहीं था, because अदरक था उसमें, pepper था, और शायद steam होने के बाद उतना smell भी नहीं रहता है, मतलब कोई थोड़ा सा भी smell उसमें नहीं था. तो और ये एक्चुअली ना बहुत फीलिंग होता है, मतलब मुझे, हम लोगों को अभी डिनर की कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो ये था मेरा आज का वीडियो. आप कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय.